हाय गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आज स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर हाइपरबोला। तो मैं आपको आज हाइपरबोला का रिवीजन करवाने वाला हूँ। इसमें अपन बहुत सारी चीज़ का रिवीजन करेंगे, जैसे कॉन्जुगेटेड हाइपरबोला, शिफ्टेड एलिप्स क्या होता है, ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है, पैरामेट्रिक पॉइंट, टेंजेंट, नॉर्मल, इन सब के बारे में आज स्टडी करेंगे अपन इसमें, और इनका रिवीजन करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो फर्स्ट, यदि आपने मेरा पहला वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने हाइपरबोला का आपको डायग्राम बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, तो आप वो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो, और मैं ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी आप वो वीडियो देख सकते हो। तो मैंने उसमें आपको बहुत ही सिंपल तरीके से एलिप्स और हाइपरबोला का डायग्राम समझाया है, जिससे आपको आधा हाइपरबोला चैप्टर ऐसे ही याद हो जाएगा। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो पी एफ वन का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू पी एम स्क्वायर। ओके, तो ये क्या होता है पी एफ वन? तो ऐसा अपन ने एक ले लिया फोकस, एक डायरेक्ट्रिक्स, और एक कोई पॉइंट है मूविंग पॉइंट एक्स कॉमा वाई, एक फोकस अपना जीरो कॉमा ए, और एक डायरेक्ट्रिक्स दे रखी अपन को एक्स इक्वल टू ए वाई ई। ओके, तो इस पॉइंट से, फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स पर जो ये हमेशा जो लेंथ होती है ये हमेशा सेम होती है, और इसको अपन क्या बोलते हैं, और ये P पॉइंट मान लियो तो ये हो गया पी एफ वन, और ये हो गया पी एम। तो पी एफ इक्वल टू ई स्क्वायर इंटू पी एम, ये मैंने आपको इलेक्शन समझाया है इसलिए मैं आपको ज़्यादा नहीं समझा रहा हूँ। फिर अपन आते हैं इसके इक्वेशन पर। इसकी इक्वेशन क्या होती है, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर इंटू एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन का होल स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। तो अल्फा बीटा क्या हो गया इसके सेंटर्स, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन क्या हो गया इसके डायरेक्टर्स के इक्वेशन। फिर आते हैं पी एफ वन माइनस पी एफ टू इक्वल टू टू ए टू सी से बड़ा होता है, ये मैंने आपको इलेक्ट्रो समझाया तो मैं आपको बता देता हूँ। पी एफ वन और यही है कि जो मूविंग पॉइंट है पी, उससे फोकस की जो डिस्टेंस है माइनस दूसरे जो फोकस की डिस्टेंस है वो टू सी से स्मॉल होती है, मीन से टू ए। फिर अपन इक्वेशन पर आते हैं, तो इसकी इक्वेशन आप देख सकते हो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू वन। तो हाइपरबोला की होती है माइनस आता है और जो एलिप्स होता है उसमें प्लस होता है, मैं आपको एंड टू एंड कंपैरिजन बताता जा रहा हूँ। फिर आते हैं अपन ई, ई क्या होता है इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी होती है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू फोकस अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू वर्टेक्स। तो ई इक्वल टू सेंटर सी तो और वर्टेक्स ए मान लिया, तो इसकी जो इसेंट्रिसिटी आती है वन प्लस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर। यदि आप इसको खोलोगे तो आ जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस वन। ये मैं आपको डायग्राम वापस से समझा रहा हूँ इस चैप्टर में, तो आप देख सकते हो इस डायग्राम को एक बार। और तो ये आपकी एक्सिस है कौन सी, कॉन्जुगेट, और ये कौन सी है ट्रांसवर्स। इसके बगल में डायरेक्ट्रिक्स से इसकी जो लेंथ है वो टू बी है। ये आपकी दो हाइपरबोला, इससे जो पास हो रही है, जो फोकस से पास हो रही है, इसको क्या बोलते हैं लैटस रेक्टम। फोकस से पास होने वाली लाइन को क्या बोलते हैं लैटस रेक्टम। इसकी जो पॉइंट होते हैं ए कॉमा जीरो, इधर से भी एक पास हुई तो माइनस ए कॉमा जीरो। फिर आते अपन कॉन्जुगेट हाइपरबोला होता है, इसमें तो नीचे था इसमें ऊपर हो जाता है, और इधर से ये पास हो जाती है एक्सिस। तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, वन अपन ई वन स्क्वायर प्लस वन अपन ई टू स्क्वायर वन। तो इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन। ओके, फिर आते पर नेक्स्ट अपने शिफ्टेड एलिप्स। तो शिफ्टेड एलिप्स क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। तो शिफ्टेड फिर आते अपन शिफ्टेड एलिप्स पे। तो शिफ्टेड एलिप्स की इक्वेशन आप देख सकते हैं एस माइनस अल्फा का स्क्वायर। शिफ्टेड एलिप्स मतलब होता है कि आपने जो सेंटर है वो अल्फा कॉमा बीटा से आगे पीछे बढ़ा दिया है, इसको अपन क्या बोलते हैं शिफ्टेड एलिप्स। फिर आते अपन ऑक्सिलरी सर्कल। तो ऑक्सिलरी सर्कल होता है दो हाइपरबोला के बीच में जो वर्टेक्स उसके जो सर्कल बनता है, इसको क्या बोलते हैं अपन ऑक्सिलरी सर्कल। यदि एक पॉइंट पी है, इससे अपन ने एक लाइन ड्रॉ करी किस पे, फोकस पे। तो और एक पॉइंट क्यू है एक सर्कल पर, उससे लाइन ड्रॉ करी अपन सेंटर पे। तो जो ये एंगल होता है इसको क्या बोलते हैं अपन इसेंट्रिक्स एंगल। तो इसकी जो इक्वेशन होती है ऑक्सिलरी सर्कल की वो क्या हो जाती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। करस्पॉन्डिंग पॉइंट पी एंड क्यू आर इसके पॉइंट होते हैं। पी और क्यू जो इसके मैंने आपको बताया था, पी और क्यू ये क्या होता है इसके पॉइंट। फिर आते अपन पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट पे। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट मैंने आपको ये पूरा अच्छी तरह इलिप्स में बताया है, इसलिए मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। यदि आपने इलिप्स नहीं देखा तो आप इस पहले वाली वीडियो पे जा सकते हो। क्यू इक्वल टू ए कॉस थीटा इंटू बी साइन कॉमा बी साइन थीटा, इसके होता है पैरामेट्रिक पॉइंट।
तो ओ एन अपन ओ क्यू सेक थीटा, तो वाई इक्वल टू बी कैन थीटा, इसको सॉल्व करेंगे अपन। ये मैंने आपको डिटेल नहीं बताया, डिटेल आप और कहीं से देख सकते हो, डिटेल आपको वीडियो देखना है तो हैंस पी इक्वल टू ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसकी पोजिशन फिर आते अपन पोजिशन ऑन लाइन। ये बहुत बार आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो पॉइंट है ये हाइपरबोला की लाइज करेगा अंदर या नहीं करेगा, तो ये आपको कैसे पता चलेगा? तो हाइपरबोला के अंदर जब भी लाई करेगा जब उसका एक्स वन जीरो होगा। तो एक्स वन कैसे जीरो होगा? यदि आपको दे दिया 2.3 से कोई लाइन पास हो रही है और आपको एक इक्वेशन दे रखी है, इसको आपको 2.3 एक्स और कॉमा वाई की जगह रखना है, तो इससे आपको पता चल जाएगा। यदि पी लाइज इनसाइड ऑन हाइपरबोला तो एक्स वन होगा जो जीरो से बड़ा होगा, और यदि आउटसाइड है तो एक्स वन जो जीरो से छोटा होगा। फिर आते हैं लाइन एंड हाइपरबोला पे। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या होता है? सी स्क्वायर ये अंदर का जो होता है, इसकी इक्वेशन होती है आपने पढ़ी हुई कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस सी इसकी इक्वेशन हो जाती है। अपन इसके एक्सटर्नल पॉइंट पे, तो एक्सटर्नल पॉइंट से अपन यदि कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो उसकी जो इक्वेशन होगी वो होगी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर माइनस टू के एच एम प्लस के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें एच और एम क्या है, एच और के क्या आपके पॉइंट्स, ऐसे अपन एक्स वाई लिए थे ना, ऐसे एच कॉमा के इसके पॉइंट्स हैं। तो यदि अब इसको सॉल्व करके अपन एम वन प्लस एम टू निकालेंगे तो वो आ जाएगा 2kh अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और एम वन एम टू आ जाएगा के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर आते हैं अपन डायरेक्टर सर्कल पर। तो डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर इसकी कार्टेशियन फॉर्म अपन का जो इधर इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर दो एक्स इंटू एक्स वन लिख देंगे अपन ए स्क्वायर माइनस वाई इंटू वाई वन अपन बी स्क्वायर इक्वल टू वन। फिर इसकी पैरामेट्रिक फॉर्म एक्स सेक थीटा अपॉन ए माइनस वाई टेन थीटा अपॉन बी इक्वल टू वन, अपने पहले बताई थी मैंने आपको। फिर कॉड ऑफ हाइपरबोला क्या होती है, कॉड ऑफ हाइपरबोला होती है इसकी एक्स अपॉन ए कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन टू माइनस वाई अपॉन बी साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू कॉस अल्फा माइनस इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन टू। इधर माइनस आता है और इसलिए क्या आता है, इधर प्लस आता है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स वन क्या जाएगा, ए कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन टू अपॉन कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू, और वाई वन क्या जाएगा, बी साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू अपॉन कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू। फिर कार्टेशियन फॉर्म अपन पहले टेंजेंट की देखी, अब नॉर्मल की देखते हैं अपन। तो नॉर्मल की हो जाएगी बी स्क्वायर अपॉन वाई वन इंटू वाई वन, इसको सॉल्व करके आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन प्लस बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर ए स्क्वायर ई स्क्वायर होता है, आपको मैंने पहले बताया था, जब अपन इसेंट्रिसिटी के फॉर्मूले को खोलेंगे तो आ जाएगा। फिर आते हैं अपन इसकी पैरामेट्रिक फॉर्म, तो ए एक्स सेक थीटा प्लस बी वाई टेन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी क्या होती है पैरामेट्रिक। फिर आते अपन फॉर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या हो जाएगा, इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। जब इधर अपन पॉइंट रखेंगे सेक थीटा और टेन थीटा, तो अपनी इक्वेशन आ जाएगी पैरामेट्रिक फॉर्म में एक्स अपॉन सेक थीटा प्लस वाई अपॉन टेन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर। फिर पेयर ऑफ टेंजेंट एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर, मैंने आपको बताया था एस वन कैसे निकालते हैं, और टी क्या होता है, अपन को उसमें पॉइंट रखने होते हैं, वही टी माना जाता है। कॉड ऑफ टेंजेंट टी इक्वल टू जीरो, इक्वेशन ऑफ कॉड टी इक्वल टू एस वन। फिर एसेंटोट क्या होता है, एसेंटोट होते हैं जो आपके हाइपरबोला से जब अपन एक पॉइंट लेते हैं तो ये जो पॉइंट होते हैं ये टेंजेंशियल फॉर्म में पॉइंट होते हैं, तो आपकी क्या होती है एसेंटोट। इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, हाइपरबोला की होती है वन इसमें जीरो। फिर आते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, मैंने आपको पहले बता दिया एक्स स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। फिर इसके फोकस देखें कोऑर्डिनेट के, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस तो सी रूट टू कॉमा सी रूट टू, और एक हो जाएंगे माइनस सी रूट टू कॉमा माइनस सी रूट टू। इसकी लेंथ ऑफ